नमस्कार, सुप्रभात। मैं आशुतोष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल YouTube परिवार विधि जागरण मंच में, जहाँ हम आप विधि से संबंधित जो नए नए अपडेट्स होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और ऑर्डर्स हों या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कोई नई विधि हो, उसे संदर्भ में चर्चा करते हैं। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नया विधान लागू किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आप हमारे इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं विधि जागरण मंच का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा करके इस परिवार का हिस्सा बनिए और अपने इस परिवार को बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए लाइक करिए। आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, लगभग 2 हफ्ते पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये चर्चा की गई थी कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि जो विवाहिता पुत्री है, मतलब कि जो पुत्री जिसका विवाह हो गया और वो अपने ससुराल चली गई अपने पिता के घर से, उस पुत्री को अगर पिता मर जाता है नौकरी के दौरान, सर्विस के दौरान, तो उसे मृतक आश्रित कोटे से नौकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, ऐसा माननीय हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था। और उस वो जो जजमेंट वाला वीडियो है, वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख लेना अगर आपने नहीं देखा हो तो। उसके बारे में उसमें ब्रीफ चर्चा है केस के बारे में, तो आप वहाँ उसको देख सकते हैं। और लेकिन वर्तमान में अभी 2 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, और उसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मृतक आश्रित कोटे से नियुक्ति पाने का अधिकार विवाहिता पुत्री को है अगर वह पुत्रों से योग्य है अधिक उस पद के लिए। तो कुल मिलाकर के जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो निर्णय था, उस निर्णय का जस्ट उल्टा अध्यादेश कैबिनेट के द्वारा पास कर दिया गया है और ये रेजुल्यूशन शीघ्र ही उत्तर प्रदेश के अंदर लागू भी हो जाएगा। तो आपको यह बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जाननी चाहिए और समझनी चाहिए और यह बात आपको पता होनी चाहिए कि अब वर्तमान में सरकारी नौकरियों में, सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियों में मृतक आश्रित कोटे से पिता वाली नौकरी पुत्री को, जो कि विवाहिता पुत्री, पहले क्या था जो अपना तमाम हिंदू लॉज हैं जिसके अंतर्गत हिंदू कवर होता है, उसके अंतर्गत मृतक आश्रित कोटे से पुत्र और अविवाहित पुत्री, इनको अधिकार था। पत्नी, अविवाहित पुत्री और पुत्र, इन तीन को अधिकार था। लेकिन अब वर्तमान में यह अधिकार विवाहिता पुत्री को भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक के बाद दे दिया गया है और यह अति शीघ्र उत्तर प्रदेश में प्रभावी भी हो जाएगा। हालांकि इसको प्रभावी करने का गजट भी जारी हो चुका है, शीघ्र ही हर जिले में सर्कुलर हो जाएगा और यह न्यायालयों के पास भी पहुँच जाएगा कि ऐसा नियम बन चुका है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक होने है कि वो जाने, खास करके बहनों के लिए, कि विवाह के बाद भी पिता की, चाहे वो संपत्ति हो, जैसा कि आपने विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा वाले केस में आपने देखा था कि उसमें ये कह दिया गया था कि जो विवाहिता पुत्री है उसे अपने पिता की संपत्ति में हक पाने का उतना ही अधिकार है जितना अधिकार पुत्र को होता है। ठीक उसी के अनुक्रम में, हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसा अधिकार विवाहिता पुत्री को नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अध्यादेश के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि ऐसा अधिकार उनको है और बेटियां भी मृतक आश्रित कोटे से पिता की नौकरी ले सकती हैं। धन्यवाद।